Hey guys, welcome back to the Coding Ninjas YouTube channel. So in this video, we will see the one word that can make you productive in DSA. So guys, the word is consistency. You might have heard this word from a lot of guys, and this is very important word. Guys, अगर तुम consistency को maintain करते हो ना, तो तुम productive definitely हो जाओगे DSA में. Yes, I know कि consistency maintain करना difficult है, but guys देखो, तुम्हारा किसी दिन बिल्कुल मन नहीं हो रहा क्वेश्चन करने का कोई भी. सो एटलीस्ट तुम कोई पुराना क्वेश्चन तो उठा के कर सकते हो ना, जो तुमने ऑलरेडी कर रखा है. एंड उसमें तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होगा ना, यार मैंने पहले करा हुआ है तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? अगर तुम्हें पुराना क्वेश्चन नहीं करना तो एक क्या कर सकते हो, कहीं से भी कुछ इजी लेवल की प्रॉब्लम उठा लो, राइट? कहीं से भी कुछ इजी लेवल की प्रॉब्लम उठा लो, वो कर लो. एटलीस्ट इतने अच्छे तो तुम प्रोग्राम हो ही ना, इजी लेवल की प्रॉब्लम तो कर सकते हो ना. सो अगर किसी दिन तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, गाइज मेक श्योर तुम एटलीस्ट वन प्रॉब्लम कर लो. वो वन प्रॉब्लम चाहे इजी हो, राइट, वो मैटर नहीं करता, बट अगर इजी भी हुई ना तो तुम्हारा फ्लो बना रहेगा, तुम्हारा बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है वो प्रोग्रामिंग बना रहेगा. सपोज तुमने एक दिन छोड़ दिया, सो हो सकता है तुम्हारा दूसरे दिन भी मन ना करे तो दूसरे दिन भी छोड़ दोगे, राइट? सो ऐसा करने से तुम्हारी बेसिकली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तुम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज कर रहे होगे, राइट? ऐसा मत करना, एटलीस्ट वन क्वेश्चन पर डे करना ही है. बेसिकली तुम्हें अच्छा करना है तो मेक श्योर तुम 4 questions अच्छे लेवल के कर रहे हो दिन में, पूरे दिन में, राइट? अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो 2-3 questions भी कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी टू बिकम प्रोडक्टिव इन DSA, गाइस. सो मेक श्योर यू फॉलो दीज टिप्स टू बिकम कंसिस्टेंट इन DSA, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल फॉलो दीज टिप्स टू बिकम कंसिस्टेंट and you will see the difference in your productivity also. Thank you so much guys. Hi there, before we proceed further in the video, I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can avail up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product company interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to participate, click on the link in the description below or the pinned comment and participate now. Happy learning, guys.